ANC वाले हेडफोन्स की बात करी जाए तो यहाँ पर सोनी अपने आप को काफी अच्छे तरीके से क्लेम करता है कि उनके हेडफोन्स बहुत तगड़े तगड़े हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक बजट ANC हेडफोन है सोनी का, जो कि WHCH720N अंडर 10,000 के प्राइस सेगमेंट में आपको ये हेडफोन मिलते हैं। और पर्सनली टेस्टिंग करी है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो आप लोग शेयर करना चाहता हूँ कि काफी सारे लोग होते हैं जिनको अंडर 10K में एक ANC वाले हेडफोन की जरूरत होती है, जिम वगैरह के लिए, प्रोफेशनल यूज के लिए, या और भी सारी चीजें हैं जहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो वीडियो मालूम पड़ेगा, बट उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, कंटेंट पसंद आता फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर करके कमेंट कर देना, और एक बढ़िया सा लाल वाला जो बटन दिख रहा है उसको जरूर से दबा देना। डब्बे की पैकेजिंग को लेके बात करूं तो सोनी की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, फ्रंट में फोटो वगैरह लगा हुआ है, पीछे कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं। यहाँ पे कंटेंट की बात करें तो कंटेंट आपको मिल जाएगी एक टाइप सी से यूएसबी वाली, एक आपको मिल जाएगी यहाँ पे ऑक्स केबल जो कि है गोल्ड प्लेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, और साथ में मिल जाएंगे आपके हेडफोन। अब हेडफोन को लेके बात करूं तो यार फिटिंग, डिजाइन और कंफर्ट सबसे मेजर चीज होती है। सबसे पहले हम लोग उसी को लेके बात करेंगे। तो डिजाइन के मामले में नॉर्मल आपको सोनी के जो यूजुअल हेडफोन डिजाइन आपने देखे होंगे ना, वैसा ही डिजाइन देखने को मिलता है। बट जो मेजर चीज हो जाती है सोनी के हेडफोन में वो है लाइट वेट। तो ट्रूली आई कैन से कि दिस आर द मोस्ट लाइटेस्ट हेडफोन्स जो मैंने ट्राई करे हैं। और अगर आप डिजाइन स्ट्रक्चर को लेके बात करेंगे तो ये देखो आपको हिंजेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे हेड एडजस्ट करने के लिए, इस तरह भी आपको वो चीज मिलती है। प्लास्टिक फिनिश में है और कुछ जगह आपको जो है यहाँ पर कुशनिंग देखने को मिलती है, और जो फिनिश है जो यहाँ पर इन्होंने मटेरियल यूज कर रखा है नो डाउट बहुत प्रीमियम देता है। तो साथ में आप कुशन देख रहे हैं, पैडिंग देख रहे हो याली, ये पैडिंग भी काफी अच्छी दे रखी है जो कि कंफर्ट लेवल के मामले में आपको काफी सही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। और ये ओवर द ईयर हेडफोन्स है, मतलब आपके कान जो है वो इस अंदर होल में चले जाएंगे और ये आपके ईयर्स के ऊपर रहते हैं, तो ये कंफर्ट के मामले में ज्यादा अच्छे रहते हैं। स्वेट वगैरह भी आता है तो काफी सही रहते हैं, क्योंकि आपके जो ऑन द ईयर वाले हेडफोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इरिटेट करते हैं। तो लंबे समय तक जैसे आप इसको यूज करने वाले से मूवी देख रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपको कंफर्ट लेवल इसमें बढ़िया मिलता है। अब इसके जो हेड्स हैं इसके डिजाइन भी देखोगे तो राइट वाले हेड्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एक तो पावर ऑन ऑफ का बटन, उसी के ऊपर लाइट इंडिकेशन आपको मिल जाएगा, नीचे टाइप सी का पोर्ट और एक ऑक्स पोर्ट आपको प्रोवाइड कर रखा है। और ये वाला जो शाइनी वाली चीज आप देख रहे हैं ये ही बेसिकली जो है ANC के लिए वर्क करती है। यहाँ पे ऊपर भी आपको यहाँ पे माइक्रोफोन देखने को मिलेगा, ये ब्लैक वाला पोर्शन आप जो देख सकते हैं। वहीं अदर साइड में जो राइट वाला हेड है यहाँ पर आपको मिल जाते हैं आपके वॉल्यूम कंट्रोल, जिससे आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। बीच में आपको प्ले पॉज का बटन दे रखा है, ANC और एम्बिएंट मोड में स्विच करने के लिए आपको डेडिकेटेड जो है बटन यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। अब यहाँ पर ये फोल्ड नहीं होते हैं, काफी लोगों के लिए क्वेरी हो सकती है कि हम इसको फोल्ड करके पॉकेटेबली कैरी कर सकते हैं, तो उतना ज्यादा ये फोल्ड वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ये जो बॉडी है ये फिक्स रहने वाली है। मैक्स टू मैक्स आपको कुछ आप जो है इसको इस तरीके से रख सकते हो, बाकी आपको ये फोल्ड होते हुए नजर नहीं आएंगे। बट मेजरली आई वुड से कि जो डिजाइन स्ट्रक्चर और जो कंफर्ट है वो इस हेडफोन से आपको काफी प्रीमियम मिलने वाला है। बट जो हार्डवेयर यहाँ पे इन्होंने पुट इन करा है उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते, तो ये आते हैं ब्लूटूथ 5.2 के साथ में, और यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है। 10 मीटर की जो क्लेम है रेंज वो आपको यहाँ पर प्रॉपर सही मिलेगी, और आप अगर उस रेंज में हो तो वो साउंड ब्रेकिंग या फिर क्रैकल वाले आपको जो चीज इसमें नहीं सुनाई देगी। तो ये जो आपको बैटरी परफॉर्मेंस ये मिलेगी इसके नॉन ANC वाले मोड में, बट वहीं आप जब इसको ANC मोड को ऑन करके यूज करने वाले हैं तो 35 आवर्स की आप बैटरी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस डिवाइस से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है। अब चार्जिंग टाइम को लेकर बात करो तो ये 3.5 घंटे लेते हैं कंप्लीटली चार्ज होने में, अगर आप इसको एक बार प्लग इन करके टाइप सी के जो केबल प्रोवाइड कर रखी है किसी भी डॉक्टर में लगा सकते हो। पर मैक्सिमम वॉट यहाँ पे 15 वॉट रिकमेंडेड है जो कि आप देख सकते हो, बाकी ऐसे अगर आप लगाना चाहते हो उसको पावरफुल एडॉप्टर से जो लगा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होता है, बट स्टिल मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपके पास एडॉप्टर है कम वॉट वाला तो उसी से इनको चार्ज करें। तो डेफिनेटली इन हेडफोन्स की जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंटली बहुत अमेजिंग आपको मिलेगी। और जैसे कि आपने काफी सारे हेडफोन्स में वो टेक्नोलॉजी सुनी होगी ना फास्ट चार्जिंग वाली, वैसी टेक्नोलॉजी इसमें भी यूज कर रखी है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप 3 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगाओगे ना हेडफोन को तो 60 मिनट्स का आपको जो है बैटरी बैकअप भी दे देते हैं, तो ये इमरजेंसी वाले केस के लिए है। अब रही बात यहाँ पर देखो साउंड क्वालिटी को लेके, तो ये ड्राइवर्स जो यहाँ पर इन्होंने लगा रखे हैं वो है 30 mm के। अब यहाँ पर आपको जो ट्रेबल्स हैं वो काफी अच्छे मिलेंगे, हाई लोज मिड्स की जो रेंज है उसको काफी हद तक ये कवर अप करते हैं। यहाँ पर आपको जो क्लैरिटी है, जो सेपरेशन है, म्यूजिक सेपरेशन है, वो इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन है, वो हर एक चीज आपको बहुत अच्छी सुनाई दे जाती है। बेस वाली चीज को लेकर मैं अगर एक बात कहूँ तो काफी लोग हैं जो बेस पे ज्यादा प्रेफरेंस कहीं ना कहीं देते हैं और इनको बेस थंपिंग चाहिए होता है, उतना थंपिंग बेस पर्सनली मुझे लगा नहीं। बट आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाके इसके जो इक्वलाइजेशन सेटिंग्स है वहाँ पे आप जाके इसको पूरा सेटअप कर सकते हो, अपने साथ थोड़ा सा बेस को जो है एनरिच कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। बट इन पर्सन थोड़ा सा मुझे पर्सनली इसके जो बेस है वो कम लगे हैं कंपेयर टू जो मैं दूसरे हेडफोन्स ऑलरेडी रिव्यू कर रखे हैं। अब रही बात जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो इसके ANC इफेक्ट को लेकर। अब ANC इफेक्ट की हम लोग जब भी बात करते हैं तो आप सराउंडिंग की कितनी नॉइस को रिड्यूस करते हो वो एक बड़ा पार्ट आ जाता है। और इस हेडफोन की मैं बात करूँ तो मुझे वहां पर इसका इंपैक्ट डेफिनेटली देखने को मिला। और अगर आप एम्बियंस में हो जहाँ पे आपका फेन चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, आपके पीसीज वर्क कर रहे हैं या दो लोग आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, तो ये उसको इजीली
नॉइस कैंसिल कर देता है, तो आप अपने म्यूजिक को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो और वो जो इम्पैक्ट है, जो ट्रांसफर है ना नॉर्मल से जो एनसी मोड का, वो आपको काफी इफेक्टिव नजर आएगा। अब वही यहाँ पे एम्बिएंट मोड वाली चीज भी दे रखी है। अब एम्बिएंट मोड में तो आप जैसे सामने वाले से कुछ बात करना चाहते हो, म्यूजिक तो एंजॉय करना ही करना है आपको, प्लस आप सामने वाले की बातचीत भी सुन सकते हो, तो उसके लिए आपको इनकी एप्लीकेशन दे रखी है। और अब एप्लीकेशन जो है इसमें सारी आपको जो है डिटेलिंग्स मिल जाएगी, जहां से आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो, आपको कितने एम्बिएंट तक की साउंड सुननी है। अब प्रिसाइसली एम्बिएंट साउंड में हमको डायलॉग्स यानी कि जो बात कर रहा है उसकी आवाज सुननी है, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेशल मोड दे रखा है, उस पर आप स्विच इन कर सकते हो। अब जो ये एम्बिएंट साउंड वाली चीज मैं आपकी बात कर रहा था, यहाँ पर आपको दो इसमें चीजें देखने को मिलती है। तो वॉइस पास थ्रू मिलता है, जहाँ पे होता है कि वॉइस को फिल्टर करके आपको बहुत सही तरीके से आवाज पहुंचाता है, जो आसपास की नॉइज है उसको सप्रेस कर देता है, तो ये आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसको आप अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो एम्बिएंट साउंड के इफेक्ट को, तो वो यहाँ पर है। ऑफ करना है तो ऑफ आप कर ही सकते हो, जो आपको यहाँ पर दे रखा है। और इक्वलाइजर की मैंने बात करी तो यहाँ पर आप नीचे जो है ऐप में देखोगे तो आपको डिफरेंट तरह के प्रीसेट्स ऑलरेडी यहाँ बने हुए हैं, आप उनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो तो कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी आपको यहाँ पर ऐप में प्रोवाइड कर रखा है। अब ऐप से कनेक्टिविटी को लेकर थोड़ी सी डील में बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट है। आप ब्लूटूथ ऑन करोगे तो आपको शायद आपके ब्लूटूथ वाले सेक्शन में आपका हेडफोन नजर नहीं है, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये एप्लीकेशन जो कि है सोनी हेडफोन करके। अब इस एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही यहाँ पे थोड़ी सी परमिशन वगैरह देना पड़ेगी, उसके बाद फिर जो है आपका हेडफोन अपीयर होने लग जाएगा, बस आपको ऑन करना है। ऑन करने पर लाइट ब्लिंक करने लगेगी और ये चीज़ का ध्यान रखना कि किसी और डिवाइस से ये कनेक्ट ना हो, और उसके बाद फिर आपको प्रोसेस बताएगा। और ये जस्ट एक सिंगल टैप पे कनेक्ट हो जाता है, मतलब आपको सिर्फ फोन को क्लोज लाना है और आपका जो हेडफोन है वो डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा यहाँ पर। और अच्छी बात ये भी मुझे लगी कि आपके हेडफोन को कोई डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता, रीजन ये है क्योंकि इसमें मल्टी कनेक्टिविटी का ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है, तो यानी कि आप यहाँ पे दो डिवाइसेस साथ में हेडफोन से कनेक्ट कर सकते हो, तो वो एक बहुत मेजर पार्ट हो जाता है। जैसे आप आउटडोर में हो, अभी ट्रेवल कर रहे हो और आपका ये ब्लूटूथ ऑन रहेगा तो कोई दूसरा आपके हेडफोन से कनेक्ट कर सकता है, बट वो चीज़ नहीं होगी अगर आप इस तरह के एप्लीकेशन वाले मोड के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो ये मुझे सिस्टम काफ़ी सही लगा, और आप यहाँ पे ये चीज़ अच्छी दे रखी है कि आपने लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, अपने फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। लैपटॉप पे आपको कुछ सुनना तो आप डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हो, ऑटो शिफ्ट हो जाता है, और वहीं अगर आपने फोन पे कॉल वगैरह आए तो वो ऑटो शिफ्ट कॉल पे भी यहाँ पे हो जाता है। अब कॉल की बात आई गई है तो मैं यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी को लेकर बात करना चाहूंगा। कॉलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, इंप्रेसिव है। आपको सामने वाले की आवाज तो बहुत अच्छी सुनाई देती है, बट आपकी आवाज भी सामने वाले को बहुत सही जाती है, कि यहाँ जो माइक्रोफोन है वो काफी हद तक नॉइज वगैरह को रिड्यूस करते हैं और आपकी प्रिसाइज आवाज सामने वाले तक पहुंचाते हैं। और इसका क्विक टेस्ट आप देख ही सकते हो, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और सोनी के इन हेडफोन्स के साथ कुछ और एसेंशियल आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इस हेडफोन आप इसको अमेजोन एलेक्सा या फिर गूगल से डायरेक्ट पेयर अप कर सकते हो, ताकि आपको जो है वॉइस का कंट्रोल या कमांड देखने को मिलेगा इन हेडफोन पे, ताकि आप सीमलेसली कमांड देके अपने हेडफोन पे म्यूजिक वगैरह एंजॉय कर सकते हो। सेकंड मोस्ट चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है ऑक्स का सपोर्ट। ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हमारे हेडफोन की बैटरी लो हो जाती है और हमें इन केस ऑफ इमरजेंसी वायर्ड म्यूजिक या वायर्ड चीजों को सुनना है, तो आप यहाँ पर ऑक्स लगा सकते हो, और एक काफी अच्छी हाई क्लास गोल्ड प्लेटेड आपको यहाँ पे ऑक्स केबल डब्बे के अंदर ही प्रोवाइड कर रखी है, क्योंकि गोल्ड प्लेटेड जो केबल्स होती है आपको काफी अच्छा स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करती है इन कंपेयर टू जो नॉर्मल वाली जो आपकी ऑक्स केबल आती है। तो यहाँ पर ये एक सेकंड बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। थर्ड आपको जो बेनिफिट देखने को मिलेगा इन हेडफोन में वो है सोनी का एडॉप्टिव साउंड कंट्रोल। ये जो चीज है ये बहुत तगड़ी चीज है, मतलब आप अगर इसको ऑन करते हो तो आप जहां ट्रेवल कर रहे हो, सपोज आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, नॉइज ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक वो ANC को ऑन कर देगा और आपको एक कंफर्ट लेवल पे जो है म्यूजिक एंजॉय करने का एक्सपीरियंस देगा। वहीं अगर कोई आपसे बात करने के लिए आया है सडनली, तो वो ANC को ऑफ कर देगा और एम्बिएंट मोड को स्विच कर देगा। तो ये जो चीज है ये बहुत इफेक्टिव है और कहीं ना कहीं प्रॉपर वर्क कर जाती है। कभी का थोड़े बहुत आपको ग्लिचेस नोटिस हो सकते हैं, बट मेजर टाइम ये चीज काफी अच्छी तरीके से वर्क करती है। ऑन करने के लिए बस आपको एप्लीकेशन से इसको ऑन करना होगा और उसके बाद फिर ये लर्न कर लेता है कि आप किस एम्बियंस में हो, एम्बियंस के हिसाब से ये जो है चीज वर्क करने लगती है। तो ये एक बहुत इफेक्टिव चीज आपको देखने को मिलेगी सोनी की हेडफोन्स के साथ में। अब चौथी एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है वो नोटिफिकेशन एंड वॉइस गार्ड है। मतलब अगर आपके फोन पे कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ रखी है और आपके पास टाइम नहीं है, आपका फोन कहीं दूर रखा है, तो आप अपने हेडफोन पे यहाँ पे क्लिक करके उस नोटिफिकेशन को रीड करवा सकते हो। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है यार, क्योंकि काफी सीमलेस कहीं ना कहीं आपके लिए काम हो जाता है। आपको फोन को रीच आउट करने की जरूरत नहीं, आपने फोन कहीं दूर रखा और आपको कोई नोटिफिकेशन सुननी है, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, तो वो आप डायरेक्टली हेडफोन में कमांड देके सुन सकते हो। तो फाइनली अब बात आ जाती है कंक्लूजन को लेके, क्या ये हेडफोन उतना वैल्यू रखता है? क्योंकि देखो 10,000 रुपये आप लगाने वाले हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर साउंड क्वालिटी अच्छी है और सोनी का सिग्नेचर इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विद द साउंड क्वालिटी, प्लस वो जो बिल्ट है, जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, वो डेफिनेटली काफी सही है हेडफोन का। सेकंड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर लगी है, जो इन्होंने ऐप के थ्रू चीजें प्रोवाइड कर
रखी है, ANC, ambience, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको सिर्फ सोनी के साथ ही वो बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपका बजट है और 10,000 रुपए तक एक्सपेंस करने का हेडफोन को लेके, तो आप डेफिनेटली इन हेडफोन्स को चेकआउट कर सकते हो। हाँ, बेस को अगर आप थोड़ा सा कम लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए डेफिनेटली हेडफोन्स सजेस्टेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। बाकी भाई इतना था कि जाते जाते भाई के लिए प्यार, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना और प्यारा वाला कमेंट करना, क्योंकि कमेंट्स आपके जब भी कमेंट वगैरह आते हैं खुशी तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ हमें बड़ा मजा आता है कमेंट पढ़ने में, तो कमेंट कर देना। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेट इन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।